नमस्कार बच्चों, जैसे कि हम लास्ट वीडियोस में कर रहे हैं बीए बीएड और बीए थर्ड ईयर का कॉमन टॉपिक आधुनिक काल, जिसमें हमने भारतेंदु काल का अध्ययन किया, द्विवेदी युग का, उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में जस्ट छायावाद का अध्ययन किया। छायावाद क्या था उसके बारे में हमने पढ़ा, उसको प्रसोहन काल कहा जाता है, उसके लघु त्रयी वृद्ध त्रयी और छायावाद की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो ठीक उसी क्रम में हम आगे आज करेंगे प्रगतिवाद। क्या है प्रगति? प्रगति का अर्थ होता है बढ़ना, उन्नति करना। लेकिन प्रगति शब्द का ये अर्थ हिंदी में प्रगतिवाद शब्द को के अर्थ में नहीं हुआ है। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती थी, मार्क्सवाद के दर्शन से प्रभावित काव्यधारा को क्या कहा गया? प्रगतिवाद कहा गया। किससे प्रभावित? मार्क्सवाद से। मार्क्सवाद से प्रभावित काव्यधारा को क्या कहा गया? प्रगतिवाद कहा गया। वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता क्या होती है? प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद का की शुरुआत कहां से हुई, उसके बीच कहां से पनपे, उसका हम मनन करेंगे 1935 ईस्वी में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो 1935 में एसोसिएशन की स्थापना हुई, 1936 में तब इसकी प्रोग्रेसिव जो एसोसिएशन बनी, तो उसके अंदर ईएम हास्टर ने इसके अध्यक्षता की थी। ई एम हास्टर ने इसकी अध्यक्षता की 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में। 1936 में क्या हुआ? प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ, ये इसी का हिंदी रूपांतरण है, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन या प्रेमचंद के रिश्ता में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम सम्मेलन हुआ। फिर 1938 में कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में इसका अगला सम्मेलन हुआ। तो ये था प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का अर्थ मार्क्सवाद था। मार्क्सवाद का जो प्रभाव था राजनीतिक क्षेत्र में, जो मार्क्सवाद है वही प्रगतिवाद में, प्रगति वही हिंदी के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। 1935, 1936 और 1938, तो हमने यहाँ समय सीमा 1936 से 1942 लिखी। तो इस समय में जो साहित्य रचा गया, जो कविगणों ने अपने प्रयास किए, कार्य किए, वो सब प्रगतिवाद के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो प्रगतिवाद में दो साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांट दिया गया था। कौन कौन से? नंबर एक शोषक वर्ग और नंबर दो शोषित वर्ग। अब शोषक वर्ग में कौन कौन आएगा? शोषक कौन कौन से होते हैं? पूंजीपति, मील मालिक, समाज के ठेकेदार, जमींदार, ये सारे जो हैं इसके अंदर आएंगे, शोषक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो गरीबों और मजदूरों का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। गरीब मजदूरों का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। वो कौन होते हैं जो शोषण करते हैं? वो क्या कहलाते हैं? शोषक कहलाते हैं। और इसके विपरीत शोषित वर्ग के अंतर्गत गरीब मजदूर, ये है शोषित वर्ग। इसके अंतर्गत कौन आएगा? गरीब आएंगे, मजदूर आएंगे, ये क्या है? शोषित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसान आएंगे, श्रमिक आएंगे, है ना, किसान श्रमिक, ये सब क्या आएंगे? इसमें आएंगे शोषित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिनका शोषण किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा समाज में समता स्थापित करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि शोषण की प्रक्रिया बंद हो, इसीलिए प्रगतिवादी कविता भी शोषण का विरोध करती है। तो प्रगतिवादियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? शोषण का विरोध करना, शोषण को इस समाज से समाप्त करना, और जो ये शोषक और शोषित वर्ग है इसको ही समाप्त करना, कि कोई अमीर अमीर ना हो और गरीब और ज्यादा गरीब न हो, सबको समानता के अधिकार मिले, सबको समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर मिले, वो है प्रगतिवाद। ठीक है, तो आज हम प्रगतिवाद की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। तो
इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य में भी कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की प्रगतिवादी कवि कहे, कौन कौन से थे? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नंबर दो नागार्जुन, नंबर तीन रामविलास। शिवमंगल सी एस सुमन, आदि त्रिलोचन शास्त्री। इसके अतिरिक्त पंत निराला और दिनकर भी, इसके अलावा पंत निराला, क्योंकि ये क्या थे? छायावादी कवि थे, तो इनका पुत्र ये तो मिले ना छायावाद के अंदर की इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई हो, तो इन्होंने आगे भी लिखना शुरू करते रहे। तो जैसे छायावाद के दौर खत्म हुआ, तो ये प्रगतिवाद के अंदर भी इन्होंने अपनी कविताओं को शामिल कर दिया, और प्रगतिवाद का जो इनकी कविताओं में भी उजागर हुआ। तो नंबर एक है शोषितों की दीनता का चित्रण, पहला पॉइंट है शोषितों की दीनता का चित्रण। प्रगतिवादी कविता का मूल केंद्र शोषण की चक्की में पिसने वाला किसान, मजदूर, पीड़ित की दशा का प्रगतिवादी कवि ने सहानुभूतिपूर्ण चित्रण किया। प्रगतिवादी कवि ने शोषित और शोषक का तुलनात्मक चित्र उपस्थित करके सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया। तो दिनकर क्या बोलते हैं इनके बारे में? स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक चुचू जाड़े से रात बिताते हैं। मतलब जो अमीरों के पूंजीपतियों के जो कुत्ते हैं, जानवर हैं, उनको तो दूध और वस्त्र मिलते हैं, और जो मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग के बच्चे हैं, अनाथ हुए हो चुके बच्चे हैं या वैसे उनके बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? उनको दूध बिस्किट तो चूर, बिल्कुल वो व्याकुल रहते हैं भूख से, और उनकी छाती, माँ की छाती से चिपके हुए वो सर्दी की रात बिताते हैं, और उनको वस्त्र नहीं, खाने को कोई दूध नहीं, भूख लग रही है तो कोई रोटी नहीं, कुछ भी खाने को उन्हें नहीं मिलता। तो ये तुलनात्मक चित्र उपस्थित किया इधर पूंजीपति और इधर शोषक वर्ग, ठीक है, शोषित वर्ग, शोषक वर्ग के प्रति घना। अब जब शोषित होंगे, कोई भी शोषित होगा तो उसका कोई कारण होगा, उसको कोई शोषण करेगा, तो कौन कर रहा था? शोषक कर रहा था। शोषितों पर शोषण कौन कर रहा था? शोषक। तो शोषक वर्ग के प्रति क्या था? घृणा का भाव था समाज में। प्रगतिवादी कवि में शोषित वर्ग स्वार्थी, अन्यायी, निर्दयी, मिठुन, निपट, ठीक है ना, अनेक कपटी का गया है। शोषक वर्ग के अंतर्गत व्यापारी, जमींदार, उद्योगपति, पूंजीवादी, पूंजीपति, ये लोग सम्मिलित किए जाते हैं। ये लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, और जब तक की पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का असंभव है। प्रगतिवाद इस व्यवस्था को भंग कर देना चाहता है, और क्या होता है? वो यह समाज चिथड़े चिथड़े, वो यह समाज चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। वो ऐसे समाज की कल्पना ही नहीं करते, वो कहते हैं कि ऐसे समाज के टुकड़े टुकड़े हो जाए, वो फट कट जाए, उसका कोई अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो ऐसे समाज की आवश्यकता इस देश को बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें पूंजीपति वर्ग अपनी एक अलग व्यवस्था बना ले, और जो बेचारे शोषक हैं, जो जमींदार, किसान, जो मजदूर, किसान और श्रमिक और जो गरीब लोग हैं, उनका क्या हो जाए? एक खाई बन जाए दोनों के बीच, पूंजीपति वर्ग और गरीब वर्ग, जो किसान वर्ग है, उनके बीच एक खाई बन जाए, जिसको कभी ना पार किया जा सके। वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो इसीलिए पूंजीपतियों से घृणा करते थे, कि वो समाज में साम्यता स्थापित करना चाहते थे, एकता स्थापित करना चाहते थे, सबको अपना अधिकार प्राप्त करने या उनको मिले, ऐसा उनकी इच्छा होती थी। अगला पॉइंट हम करेंगे धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। जब चारों तरफ क्या हो, निराशा छाई हो, तो ईश्वर के प्रति हमारी आस्था डगमगा।
ईश्वर की शरण में जाते थे और हमें हमारी सिद्धि प्राप्त हो जाती थी या मन चाहिए उसको प्राप्त हो जाती थी, तो हमारा विश्वास बढ़ने लग जाता था। जब धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग अधिक शोषण करने लगा, प्रताड़ित करने लगा, उनका खून चूसने लगा, जो बेचारे मजदूर वर्ग किसान वर्ग थे, तब उनका विश्वास भगवान पर से धर्म पर से उठने लगा। प्रगति गति कभी धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह इन्हें शोषण का हथियार मानता है। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में लिखा है, भाग्यवाद आवरण पाप का और श्रेष्ठ शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन। तो एक जन किसको दबा रहे, पूंजीपति दूसरे के भाग किसान के या मजदूर के भाग को अपने अधिकारों के नीचे दबा रहा है, अपनी सत्ता के नीचे दबा रहा है, इसका वर्णन किया गया है। इसीलिए प्रगतिवादी कवि ने धार्मिक विश्वासों और रूढ़ियों को तोड़कर विप्लव के गीत गाए। वह चाहते हैं कि क्रांति की चिंगारी और रूढ़ियों को जलाकर राख कर दे, पुरानी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, वो जो अपने कर व्यवस्था है या वो जो कर्ज लेने पर जो उनको जमीन रखनी पड़ती है या उन्हीं की जमीन पर खुद को मजदूरी करके उनको वो थोड़ा सा भाव मिलता है उनकी मेहनत का, उन सबका क्या कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक ही लोर इधर से आए, एक ही लोर उधर से आए। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की ये पंक्तियां हैं कि कुछ ऐसी तान उथल पुथल मच जाए, चारों तरफ एक जोश का वातावरण हो जाए, जिससे कि जो गरीब निराश आकाश बैठी जनता है उसमें भी जोश आए और अपने हक के लिए लड़ सके। पंत जी ने भी सूक्त की कोयल का आह्वान किया है, गा कोकिल बरसा पावक बन, कि कोयल गाएगी तो सही लेकिन हमें तो मीठी लगती है। तो उस समय जोश अपने प्रगतिवादी कवि थे, वो कोयल को भी कहते थे कि इस तरह से गा कि जिस तरह से आग बरसने लग जाए चारों तरफ, एक जोश की उत्साह की। नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, जो पुराना और जो पुरातन हो चुका है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाए। रमेश्वर शुक्ल अंचल तो ईश्वर की धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, जिसका लेने नाम भूलो से मांस लुटाते तुम रोए, किंतु न चेता तो निशिवा सर को छुदा तो तुम सोए। वह जिसके लिए तुमने अपने आप के प्राण भी त्याग कर दिए, जिस ईश्वर के लिए वो तुम्हें भूखे सोए हुए देख कर भी व्याकुल नहीं हो रहा। क्रांति की भावना, अगला बोलो क्रांति की भावना। क्रांति का तो उस समय बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि क्रांति आएगी तभी देश में बदलाव संभव था, तभी पूंजीपति वर्ग का नाश संभव था। सामाजिक समता के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया। प्रगतिवादी कवियों ने भी प्राचीन परंपराओं का सहमूल विनाश क्रांति के द्वारा ही संभव माना। वह चाहते हैं कि पूंजीपतियों की गगन चुंबी महर भूमि साफ हो जाए और सबको न्याय मिल जाए। प्रगतिवादी कवि ने हिंसा को उचित ठहराया है। ये क्या मानते थे, हिंसा को उचित मानते थे, हिंसा को उचित मानते थे। इनके अनुसार हिंसा करना अनिवार्य है, गांधीवादी विचारों पर नहीं चलते थे, ये उग्र विचारों की गली थे। काटो 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 कर लो, साहित और कुसाहित क्या है, मारो 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 हंसियां हिंसा और हिंसा क्या। इनको लगता था कि किसी भी कीमत पर पूंजीपतियों का नाश होना चाहिए, उनके गगन चुंबी महल धराशायी होने चाहिए, और जो साधारण जनता है, जो गरीब जनता है, जो बेचारी जनता है, जो शोषक वर्ग है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो श्रमिक है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। नारी चित्रण, प्रगतिवादी कवियों ने नारी का यथार्थ चित्रण किया है, सभी ने इस पर अपनी लेख रुचि लगी है, चाहे वो आदिकालीन कवि हो, चाहे वो भक्तिकालीन हो या ऋषिकालीन हो या आधुनिककालीन हो, प्रगतिवादी कवि ने नारी का यथार्थ चित्रण किया है। न तो कल्पना लोक की परी है और न ही सौंदर्य उदास उद्योग की प्रकाष्ठ है, अपितु वह किसी लोक की मानवी है, साधारण मनुष्य है, जो रात भी पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक कुशलताओं को झेलती है। निराला ने पत्थर तोड़ती हुई नारी का चित्रण किया है, वह तोड़ती पत्थर, वो वाली जो इनकी कविता है वो इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मजदूर स्त्री का वर्णन है, वह तोड़ती पत्थर। तो इसकी कुछ पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ का हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुपल्लिका अट्टालिका प्राकार। तो निराला जी ने लिखा है कि एक मजदूर स्त्री बहुत बड़ी अट्टालिका एक महत्वपूर्ण इमारत के सामने अपना क्या कर रही है, तो पत्थर तोड़ रही है सड़क पर, और उसको कवि ने इलाहाबाद के रास्ते पर पत्थर तोड़ते हुए देखा था। उसके हाथ में बहुत बड़ा गुरु मतलब बड़ा सारा हथौड़ा है, और वो बार बार क्या कर रही है, उसे
सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। तो प्रगतिवादी कवियों की प्रमुख चेतना यथार्थ के धरातल पर उतर कर काव्य की रचना करना है। उनकी रचनाओं में कल्पना रंच मात्र भी नहीं है। कल्पना का पूर्ण रूपे अभाव था। कल्पना का पूर्ण रूपे अभाव था क्यों? क्योंकि छायावाद में छायावाद तक क्या थी? छायावाद को हम कल्पनावाद भी कह सकते हैं, लेकिन छायावाद के बाद इसका प्रथम स्वर आ गया, यथार्थ का स्वर आ गया। तो यथार्थ की कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं होती। उनकी रचनाओं में कल्पना नहीं थी। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया। जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी, बेरोजगारी है ना, और कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में किया गया। इसके पश्चात हम करेंगे शैलीगत विशेषताएं। तो मैंने आपको अनेक बार ये बात बता दी है कि हर जो प्रश्न हम करते हैं उसके अंदर एक भाव पक्ष होता है और एक कला पक्ष होता है। तो भाव पक्ष के लिए हमने 6 बिंदु किए हैं प्रगतिवाद के अंदर। अब हम शैलीगत विशेषताओं को करेंगे। प्रगतिवादी कवियों की भाषा सरल है, शैली अलंकार भी है, क्योंकि ये इन्होंने सजाया नहीं है कविता को। इनकी कविता यथार्थ पर आधारित है। यदि सजाते तो उसमें छंदों अलंकारों का प्रयोग होता। इन्होंने तो अपने मन के भावों को बस लेखनीबद्ध करके अपने सामने प्रस्तुत कर दिया, तो उसमें कुछ भी बनावटीपन मौजूद नहीं है। मुक्त छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है, उसमें कहीं बनावट नहीं है। वह आम आदमी की भाषा है। पंत जी लिखते हैं, तुम वह न कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। खुद प्रश्न करते हैं पंत जी की, हे मेरी वाणी, क्या तुम्हें अलंकारों की आवश्यकता है? तुम तो जन जन में अपने मेरे विचारों का वहन कर सको, तुम ऐसी भाषा बनो, तुम्हें किसी अलंकार की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि प्रगतिवादी कवि ने सामाजिक क्षमता को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया, तथापि गांधी और बुद्ध के देश में हिंसा और क्रांति की बात किसी के गले से नहीं उतरी। जब इसमें क्रांति और हिंसा की बात हुई, इस वजह से इस काल की या इस युग की ये एक कमी बन गई, क्योंकि उस समय कौन थे? गांधी और बुद्ध थे। अब गांधी जी किसके पर आधारित थे, किस विचारधारा के थे? वे अहिंसावादी थे। बुद्ध भी क्या थे? अहिंसावादी थे। उस युग में जब अहिंसा का बोलबाला था, तब हिंसा और क्रांति की बात कभी भी किसी से स्वीकार नहीं हुई। प्रगतिवादी कवि के आयु कम रहे, फिर भी इन कवियों के योगदान को बुलाया नहीं जा सकता। इस काल के प्रमुख कवियों का, जैसे कि मैंने नाम लिख रखा है, नागार्जुन, केदारनाथ, श्रीमंदर सिंह सुमन, राजे राघव, त्रिलोचन, तो अनेक ऐसे कवि हुए। इसके अलावा जो छायावादी कवि थे पंत निराला और दिनकर ने भी अपनी रचनाएं इस काव्य में लिखी। तो आज हमने प्रगतिवाद के बारे में पढ़ा। 1936 से 1942 तक के समय काल को या कालखंड को क्या कहा गया? प्रगतिवाद कहा गया। प्रगतिवाद को बढ़ना होता है हिंदी के अनुसार, लेकिन यहाँ प्रगतिवाद बढ़ना नहीं होता बल्कि राजनीतिक विचारधारा के आधार पर क्या लिखा गया? मार्क्सवाद कहा गया। अब मार्क्सवाद में क्या होता है? समानता। और यहाँ